श्री अजीत पवार को लेकर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये अनाउंसमेंट होते ही जो प्रांगण में मौजूद कार्यकर्ता समर्थक हैं, विधायक हैं, ये अजीत पवार मुस्कुराते हुए जो शपथ विधि है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अजीत पवार यहाँ पर जो शपथ ग्रहण है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मौजूदगी है देवेंद्र फडणवीस की, जो कि 2019 के मुख्यमंत्री थे और आज उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके बगल में राज्यपाल हैं, सीएम हैं एकनाथ शिंदे, और अजीत पवार यहां पर अपने सभी समर्थकों के साथ उपस्थित हैं, जहां पर वो जो शपथ विधि है उप मुख्यमंत्री के, राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री की, वो यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र के राजभवन से। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा कॅमेरामन करा, माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। और इसी के साथ राज्य को नया डीसीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मिल चुका है, अजीत पवार हस्ताक्षर फिलहाल करते नजर आ रहे हैं जो दस्तावेज हैं, और उनके हस्ताक्षर करने के साथ साथ जो प्रांगण है उसमें लगातार जो नारेबाजी है वो लगातार की जा रही है कि वो अपने नेता, अपने नए नेता अजीत पवार के साथ हैं। एक बड़ा झटका एमवीए दलों को यानी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला है, लेकिन क्या ये झटका शरद पवार के लिए भी होगा, जो कि पार्टी के प्रमुख हैं और लगातार इस बात को लेकर जिक्र करते रहे हैं कि अजीत पवार उनके साथ हैं, उनके साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और इस यही वो बात है जो लगातार अजीत पवार भी दोहराते रहे हैं कि वो एनसीपी दल के साथ लगातार बरकरार रहेंगे, स्थिति कोई भी हो, कितना भी दबाव हो, जांच एजेंसियों का दबाव हो, किसी का भी दबाव हो, लेकिन वो लगातार अपने पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने चाचक के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने जो समर्थक हैं उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। लेकिन ये एक ताज़ा तस्वीर उन सभी बातों को गलत ठहराती हुई नज़र आ रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक बार फिर ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर है, जहां पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नए निर्वाचित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, रमेश बैस राज्य के गवर्नर हैं, एकनाथ शिंदे के साथ वो तस्वीर जिसका लगातार कई सालों से ये दोनों दल इंतजार करते रहे हैं, जहां पर एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक बड़ा नुकसान जो है 2024 में विपक्षी दलों को भी मिल रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर सीधे राजभवन से, वो ऐतिहासिक तस्वीर जिसके लिए एक लंबा इंतजार करने मिला है। अब एक और जो नया नाम है वो अनाउंस किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे। ये हैं छगन भुजबल, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, एक बड़ी भूमिका में रहे हैं और वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये किस पदवी को लेकर यहाँ पर शपथ विधि करते हैं, ये एक बड़ी रोचक तस्वीर होगी। छगन भुजबल एनसीपी के नेता, ये लाइव तस्वीरें एनसीपी नेता छगन भुजबल की, जो कि शरद पवार के बेहद करीबी रहे हैं, सुप्रिया सुले के बेहद करीबी रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल के बेहद करीबी रहे हैं और लगभग इन सभी से ज़्यादा सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं छगन भुजबल, वो फिलहाल मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया गया है और इसी के सिलसिले में जो शपथ विधि है वो लेते नजर आ रहे हैं। मी भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगे। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता कळणार राखे। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक
अशुद्ध बुद्धि ने पार पाड़े संविधान न्याय वागणूक मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कामे योग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करू एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला व्यक्ती किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. और अब अजीत पवार के बाद एक और एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल की जो शपथ विधि है वो पूरी हुई है. और छगन भुजबल को जो कि एक सीनियर लीडर है उन्हें मंत्रिमंडल में एक स्थान दिया गया है. क्या स्थान होगा इसको लेकर अभी फिलहाल चर्चाएं ज़रूर होनी है. लेकिन जो तस्वीर है अपने आप में इतिहास को बयां करती है और इतिहास को रचती हैं कि छगन भुजबल जो हैं एक बार फिर वो बीजेपी के साथ नज़र आ रहे हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ नज़र आ रहे हैं. एक बड़ी चोट जो है वो इस बार अजीत पवार ने एनसीपी को दी है और शरद पवार सुप्रीमो को दी है, अपने चाचा को दी है, साथ ही अपनी जो बहन है सुप्रिया सुले उन्हें दी है. लगातार नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं अजीत पवार. लेकिन इतना बड़ा कदम अजीत पवार उठाएंगे इसको लेकर ये नहीं कह सकते कि सरप्राइज है, एक बड़ा सरप्राइज होगा. लेकिन इसकी उम्मीद इतनी जल्दी शरद पवार ने बिल्कुल नहीं की होगी, ना कि एनसीपी के बाकी सीनियर लीडर्स ने की होगी कि इतनी बड़ी चोट वो एनसीपी को पहुंचाएंगे. और महज कुछ ही सालों के अंतराल में 2019 में चोट पहुंचाई थी, उसके बाद काफ़ी हद तक कस्में खाई गई थी, वादे किए गए थे कि वो अपने पार्टी के साथ निष्ठावान रहेंगे. बीते दिनों तक अजीत पवार लगातार इसी बात का जिक्र करते रहे कि वो अपने पार्टी के साथ हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे. नाराजगी ज़रूर व्यक्त की कि वो विरोधी पक्ष दल के नेता के रूप में अब नहीं रहना चाहते, एक नई जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं. पार्टी से उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन्हें एक नई जिम्मेदारी दे जिससे वो अपनी पार्टी को एक बड़ी रफ्तार दिला पाएं, जिससे 2024 में पूरे विपक्षी दल को एक गति मिले. लेकिन इस बात का भी जिक्र करते रहे हैं कि वो सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट में यानी महाराष्ट्र में एक सीनियर भूमिका निभाना चाहते हैं ताकि पार्टी को और मजबूत कर सके. लेकिन ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं उन सबसे बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही हैं, जहाँ पर अजीत पवार पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, एमवीए दल को एक बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं. तो ये अपने आप में जो ऐतिहासिक तस्वीर है वो आज एक बार फिर, आज की जो तारीख है वो मेरे ख्याल से हर किसी को नोट करनी चाहिए कि एक बार फिर अजीत पवार ने महाराष्ट्र राजनीति में 2 जुलाई को इतिहास रचा है. लगभग एक साल पूरे हो गए हैं जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना गुट से बगावत की थी, उद्धव ठाकरे से बगावत की थी. और आज उसी दरमियान उसी लगभग एक साल के अंतराल के बाद अजीत पवार जो हैं एनसीपी से बगावत करते हैं, एनसीपी के 2 टुकड़े करते हैं. और ये इसलिए क्योंकि उनके पास फिलहाल 35 जो विधायक हैं सांसद हैं उनका समर्थन है. और दिलीप वलसे पाटिल की फिलहाल सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो कि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में एक अहम कायदे द्वारा स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा. दिलीप वलसे पाटिल की सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र राजभवन से अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें और महाराष्ट्र राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर कई सारी जो तस्वीरें हैं उसे अनफोल्ड कर रही हैं. क्योंकि ये सिर्फ आप इसे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ना समझें, ये आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर बेहद ही अहम तस्वीर जो है, जो जिसकी उम्मीद किसी ने की होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होती नज़र आ रही है. और दिलीप वलसे पाटिल ये भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल. और अब देख रहे हैं दिलीप वलसे पाटिल, क्या इसके बाद और भी कोई नेतागण होंगे जो लगातार हम सिलसिला देख रहे हैं शपथ विधि का, क्या उसे वो इसी प्रकार जारी रखेंगे, क्या और भी बड़ी चोट जो है वो एनसीपी को मिलने वाली है. क्योंकि अब तक जितने भी लीडर्स ने शपथ विधि ली है वो एनसीपी के सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं. हालांकि जो इनका इतिहास रहा है वो ज़रूर दूसरे दूसरे दलों से पहुँचे हैं एनसीपी में, लेकिन
बीते कई वर्षों से अहम भूमिका निभाते रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, और विशेषतः एनसीपी के लिए एक बड़ी चोट जो है लंबे तौर पर देखने मिली है। उद्धव ठाकरे शिवसेना जब टूटी थी इसी जुलाई के आसपास बीते वर्ष यानी एक साल पहले, उससे अब तक उद्धव ठाकरे उभर नहीं सके हैं। उनके पार्टी में महज गिने चुने जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, वो बचे हुए हैं। क्या ऐसी ही तस्वीर अब एनसीपी के लिए पेश हो रही है? क्या एनसीपी के जो बचे कुछ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या आने वाले दिनों में वो भी अजीत पवार के साथ जाने वाले हैं? क्या अब एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार महाराष्ट्र राजनीति में एक नया चेहरा बन चुके हैं? क्या अब जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल उठाते हैं कि अजीत पवार इकलौते हैं जो पार्टी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं वो नहीं जाना चाहते, लेकिन इस प्रांगण में जो लगातार हम शोर सुन रहे हैं, जो स्लोगन सुन रहे हैं, उसमें यही पता चलता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार अजीत पवार के फैसले से खुश हैं। अब इसे एक फ्लूक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हमने देखा कि सुबह सुबह ही 10 बजे के दरमियान बैठक बुलाई जाती है जिसमें 18 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो मौजूद होते हैं। प्रफुल्ल पटेल हों, सुप्रिया सुले हों, सुप्रिया सुले दो राउंड मारती हैं, एक बार मीटिंग अटेंड करती हैं, फिर घर से निकलती हैं, फिर वापस दोबारा घर में आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है तब से ही खड़ा हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या चर्चाएँ हो रही हैं कि सुप्रिया सुले को दो बार आना जाना पड़ रहा है, और लगातार जो बड़े नेता रहे हैं पार्टी के वो इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। करीबन 3 से 4 घंटे ये बैठक चलती है। 1 बजे के आसपास खबर आती है कि अजीत पवार अपने पार्टी दल बल के साथ राजभवन पहुंचने वाले हैं। उस दरमियान ये बताया जाता है कि स्टेट प्रेसिडेंटशिप को लेकर उनका नाम शरद पवार द्वारा चर्चाओं में था, और अब इसी चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इस बात को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के पद को, कार्यभार को संभालते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में एक अनोखी तस्वीर, दिलीप वलसे पाटिल, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाते हुए, अजीत पवार जो अब उनके एक नए बड़े नेता के तौर पर साबित हैं वो ले रहे हैं। अब हसन मुशरीफ एक और बड़ा नाम माफ कीजिएगा एनसीपी दल से निकल कर सामने आ रहा है। हसन मुशरीफ, वही हसन मुशरीफ जिनको लेकर लगातार ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो इसको आने वाले दिनों में ज़रूर मुद्दा बना सकते हैं कि उनके ऊपर ईडी का दबाव था, इसलिए हसन मुशरीफ उनके साथ जुड़े हैं, अजीत पवार के साथ जुड़े हैं। लेकिन क्या विपक्ष इसको एक अहम मुद्दा बनाकर, एक लॉजिकल रीजनिंग बनाकर पेश कर पाएगा क्या? क्योंकि 35 जो नंबर हैं उसे प्रूफ कर पाना, उसे डिफेंड कर पाना कहीं ना कहीं शरद पवार खुद उन्हीं के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। हालांकि जो सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, वो अभी भी उनकी जो तस्वीर है, जो बयान है, वो कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी भी स्थिति सामान्य है, लेकिन जो स्थिति हम फिलहाल राजभवन के प्रांगण में देख रहे हैं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस पे खास तौर पर जोर रहेगा कि लगातार चर्चाएं करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच अभी से ही देख पा रहे हैं कितनी नजदीकियां हैं वो देखने मिल रही है। दोनों के बीच चर्चाएं अभी से ही हो रही हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है बेहद ज्यादा जो पॉजिटिव है वो नजर आ रहा है। पहले दिन ही जसपत विधि के ठीक बाद दोनों एक दूसरे के आसपास बैठते हैं और लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो चर्चाएं हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे फिलहाल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस फिलहाल इस पूरे प्रांगण में सबसे ज्यादा खुश व्यक्तियों में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हसन मुशरीफ जिन्होंने अभी भी शपथ पूरी की है वो फिलहाल जो अपना अंडर साइन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी क्षति जो है वो ना सिर्फ एमवीए बल्कि पूरे विपक्षी दलों को मिली है, क्योंकि अजीत पवार हों या फिर शरद पवार हों, उन्हें विपक्षी दल का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। जिस प्रकार जिक्र होता है कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई विपक्षी दलों को लीड कर सकता है तो उसमें शरद पवार एक प्रमुख नाम है, क्योंकि ना सिर्फ वो महाराष्ट्र राजनीति बल्कि देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। एक सीनियर मोस्ट लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, राजनीति का चाणक्य उन्हें माना जाता है, और ऐसे में अगर उन्हीं की पार्टी टूटती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो व्यक्ति जो अपने पार्टी को नहीं संभाल सकता, क्या वो विपक्षी दलों का नेतृत्व कर पाएगा? यानी कि कहीं ना कहीं जो इमेज है वो प्रभावित हुई है शरद पवार की। हालांकि अब तक लगातार उनके द्वारा ये डिनाई किया जा रहा है कि उन्हें इस पूरी चीज़ों को लेकर जानकारी नहीं थी, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दिया। प्रवीण मुंडे एक और जो नाम है वो सामने निकल कर आया है। Z News.